सिनेमा घरों में अब कुछ ही घंटों में हमारी फिल्म जुग जुग जियो रिलीज होने वाली है। हमने देखा कि लोगों ने इस फिल्म को बहुत ही अप्रिसिएट किया, जितना भी ट्रेलर एंड गाने आए हैं। सो अब कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में अब सिनेमा घर में फिल्म रिलीज होने वाली है। आई थिंक हम लोग सब इसी के लिए काम कर रहे थे, हर जगह जा रहे थे, देश देश में लोगों को बता रहे थे कि फिल्म कल रिलीज़ होने वाली है। एंड जस्ट वेरी ग्रेटफुल जितना प्यार हम लोगों ने पाया लोगों से, एंड लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी तो वापस देखने जाएगी एंड मोर पीपल विल गो। वरुण जी, प्रमोशन कितना टायरिंग था आपके लिए, मतलब कि हम देखे आप हर जगह पे थे, तो आप लोगों के लिए सबके लिए कितना टायरिंग था? जब जब हम लोग थकते थे तो हम लोग अनिल सर को एक बार छू लेते थे, एनर्जी आ जाती थी हम लोग। झूठ बोल रहे हैं क्या होता है कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि वो अपने आप ही एक ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देती है कि हम सबको ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, इस फिल्म को हमने जिस तरह शुरुआत की थी दिल से, इसकी प्रमोशन भी दिल से करेंगे। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये जब खुद को भी फिल्म पसंद आना बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट कर रहे हैं, जिसके जिनके साथ काम कर रहे हैं, तो इन सब में ऐसी चीज़ें सब जुड़ी हुई थी जो हम सबको बहुत पसंद आई और हमने कहा कि इसकी प्रमोशन भी हम दिल से करेंगे। एंड अब तक भी जितने भी लोगों ने ये फिल्म देखी है, दिल्ली में हमने सुना कि बहुत कुछ लोगों को फिल्म दिखाई गई, फैंस की स्क्रीनिंग थी उससे पहले, और भी लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है फिल्म को लेकर, एंड लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप लोग नो दैट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग। वो जो हम लोग ने किया, पहली बार मेरे करियर में मैंने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किया है, एंड इतना प्यार हमें मिला, एंड जेन्यूनली इट वॉज नॉट ओनली फैंस की, ये लोग हमारे फैंस थे, लोग बस दीज आर पीपल हु केम एंड सॉ इट, एंड बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, एंड एटलीस्ट एक हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट इट्स ऑन जनता जनार्दन है, कल जैसे ऑडियंस रिएक्ट करेगी उसके ऊपर। आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने इतना वक्त दिया है इंडस्ट्री को, इस पूरे जर्नी के दौरान बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं ऑडियंसेस के चॉइस में और साथ ही में काम करने के तरीके में। आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके का चेंज आप देखते हैं काम करने के तरीके में और साथ ही साथ कंटेंट के मामले में। चेंज ये है कि सब ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। पहले ये होता था कि हमें लास्ट मोमेंट पर सब चीज़ें स्क्रिप्ट वगैरह मिलती थी, आजकल स्क्रिप्ट सारी रेडी होती हैं, हम लोग रिहर्सल्स करते हैं, रिहर्सल करने का वक्त मिलता है, वर्कशॉप करने का वक्त मिलता है, और चेंजेस जो ऑडियंस का टेस्ट, जो मुझे ऐसा लगता है जो चेंज है ये कि हर किस्म की फिल्में तो हमेशा चलेंगी, तो कहीं ना कहीं, मगर ओवरऑल जनरल ट्रेंड ये है कि दे वॉन्ट टू सी एंटरटेनमेंट, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, झूठी नहीं लगनी चाहिए फिल्म, रियल लगनी चाहिए, एक्टिंग भी थोड़ी सी रियल होनी चाहिए, थोड़ी नेचुरल होनी चाहिए, तो मैंने ज़्यादातर मुझे लगता है कि वो चीज़ लोग आजकल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो अपना OTT प्लेटफॉर्म पे हो, दे लाइक थिंग्स विच आर स्लाइटली मोर रियलिस्टिक। कभी कभी ऐसी भी फिल्में आएंगी जो बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक, वो भी चलेंगी, बट जनरली ऐसी फिल्में उन्हें देखने का पसंद, आजकल दे वॉन्ट रियल एक्टिंग, रियल काइंड ऑफ सिचुएशंस, फेक नहीं लगती, झूठी नहीं लगनी चाहिए फिल्म। रिश्तों के बारे में अगर बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार एक्चुअली ऐसा हो सकता है, आज की जनरेशन में कंटेम्प्रेरी लगनी चाहिए, दिस इज माय फील। सो सिंस ये फैमिली ड्रामा होने वाला है, हम बहुत अच्छे नहीं, फैमिली ड्रामा नहीं है, फैमिली कॉमेडी है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, हम लोग को झूठ मूठ का जॉनर नहीं बनाना है, बट इज लॉट ऑफ ह्यूमर इन इट, लॉट ऑफ ड्रामा है, थोड़ा बहुत इमोशन भी है, बट ह्यूमर बहुत है, रोमांस बहुत है, तो एक वेरी होलसम इंजॉयमेंट वाली फिल्म है। ड्रामा सिर्फ ड्रामा नहीं कहूँगा, यह सब्जेक्ट जो है, जो पूरा जो मुद्दा है वो थोड़ा सा सीरियस है, इट्स अबाउट डिवोर्स, बट द वे इट हैज़ बीन स्टोरी टेलिंग जो है, कहानी जिस तरह फिल्माई गई है, हम सब ने किया है, इज लेस्ड विद लॉट ऑफ ह्यूमर। कियारा जी का आपका उनको आपका ह्यूमर बहुत अच्छा है इस फिल्म में, सबका ह्यूमर, वरुण का अपना ह्यूमर है, कियारा का अपना ह्यूमर है, मनीष का अपना ह्यूमर है, नीतू जी का एक अपना ह्यूमर है, और छोटे छोटे कलाकार हैं इस फिल्म के अंदर जिन्होंने, चाहे वो हरभजन का हो, चाहे वो पापा जी का जो डॉक्टर बने हैं बल्लू, नहीं उसको तो मैंने, हाँ बल्लू का हो, बल्लू तो बहुत अच्छा, या 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 इज टू गुड, इज टू गुड, या या इज टू गुड, बेस्ट लाइन इज हिज, या या बेस्ट लाइन इज हिज, सारी ले जा रहे हो, हां वो बड़ा अच्छा है, वो बढ़िया, हां तो है उसमें, नहीं जैसे सर ने कहा, आई थिंक सब के किरदार में ना, आई थिंक राज ने बहुत अच्छी तरीके से, ही इज गिवन एवरीवन्स कैरेक्टर दैट कंप्लीट
that complete package of, you know, that complete graph where there's entertainment, there's emotion, there's gravitas, sab hai. So you have to see the film for middle that. Hai aur end hai sab ka, alag, ka, sab ka graph hai. Relationships ka bhi beginning hai, middle hai aur end hai. ऐसे नहीं है कि और कुछ चीज़ें ऐसी भी छोड़ दी हैं, यू नो, कभी कभी ऑडियंस को भी चाहिए होता है एकदम ही सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब जुड़ जाए एंड में. कुछ चीज़ें जो आजकल जो कंटेम्प्रेरी फिल्में होती हैं कि आप कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं और ऑडियंस को सोचने में मजबूर होते हैं क्या हुआ होगा. आई थिंक दे लाइक ऑल दीज थिंग्स नाउ, दिस इज माई फीलिंग. अरे बहुत कुछ बता दिया बारे में, बताइए फिल्म के बारे में. ग्यारह जी, अब वरुण जी, ग्यारह जी से कुछ पूछना चाहेंगे आप? भूल भले ही आपके और कबीर सिंह की सक्सेस के बाद ये सक्सेस पे सक्सेस दे रही है हमें, बस वही मैं बस सुबह का दिन जैसे आरंभ करता हूँ, बस इनके चरण को छू के वो मुझे बस जुग जुग जियो आशीर्वाद देती है तो ही दिन आरंभ कर सकता हूँ मैं. थैंक गॉड एस यू डोंट डू ऑल दिस वंस दिस एक्टिंग यू डू नाउ. यू कायरा, कायरा मतलब कायरा हैज बीन I wouldn't say lucky charm, she's just a very talented girl and she's just taken everyone by surprise and she stormed the industry almost. बहुत aggressive लड़की है. हम तो हम लोग हमेशा and does more yoga. वरुण बात करते हैं कि नीतू जी का इस फिल्म में बहुत बड़ा योगदान है. It's a blessing है. योगदान इनका अपना मनीष का प्राजक्ता कियारा का वरुण का और मेरा और आपका तो सबसे इंपॉर्टेंट और राज का मेरा नाम तो. आई थिंक कियारा इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड शी इज जस्ट गेटिंग अ ड्यू नाउ. लोग अभी नोटिस कर रहे हैं, हम लोग ने नोटिस पैंडेमिक के पहले किया था तो उसका आपने कैसे नोटिस किया जानना चाहता हूं. पैंडेमिक के बाद ड्यूटी किया था या काम? नहीं, ये लोग आप लोग ने कब नोटिस किया? अभी भूलभुलैया के बाद ना? नहीं नहीं नहीं, उसके पहले नहीं बोलते. अरुण तू तो अभी भूलभुलैया के बाद ज्यादा फ्रेंडली बनता है. कौन सा पूछ? हेलो लास्ट क्वेश्चन. बीइंग यू में गुड न्यूज में थी, करेक्ट? अभी याद आ रहा है ना सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कर रहा था मैं. गुड न्यूज में भी तो थी. ऐसे लोग कहते हैं, कल पता चलेगा. वरुण के फैंस तो जस्ट वांट टू नो दैट कि मतलब समाज में मतलब जो डिवोर्स के रेट है वो बढ़ रहे हैं, एक परसेंटेज है. अनिल जी आपसे और वरुण जी आप मेरे से मत पूछो, तो क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि यार मतलब आपका फ्यूचर प्लान कैसा? मैं ओवर प्रिपेयर्ड हूं मैरिज के लिए क्योंकि इन्होंने मुझे इतने टिप्स दिए हैं. हां, हमें भी कुछ शेयर कीजिए ना. लोग बिना टिप्स दिए टिप्स मिल जाते हैं. हां, करेक्ट. तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं और तो मेरे ख्याल से हम नीतू जी उनका शी हैज़ हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड डेविड. अपना वरुण जी की डैडी लाली, दे बीन नोइंग शी दस इन सो मेनी इयर्स. सुनीता और मैं, हम कुछ यू नो शादी को हमारे 38 साल हो गए, उससे पहले हम 10 साल एक दूसरे को जानते थे. तो ये सब चीज़ें रिलेशनशिप से मुझे लगता है, मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें यू नो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि यू नो क्या क्या अच्छी चीज़ें और क्या क्या प्लस और माइनस. और ज़्यादातर अगर प्लस 10 हैं, एक दो माइनस है, तो माइनस के बारे में बात ही नहीं करना है, सिर्फ प्लस के बारे में बात करें. आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील. मोटा मोटा मैं आपको ये एडवाइस. और मुझे आप लोग कोई सीरियस क्वेश्चंस मत पूछो, क्योंकि मैंने सारे जो पिछले इंटरव्यूज़ देखे मेरे अपने, मैं अच्छे टिप्स नहीं देता हूँ और मैं बहुत मस्ती करता हूँ क्योंकि इतने टाइम बाद हम लोग बाहर निकले हैं. यार मैं इतना खुश हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे. तो मतलब मैं पहले की सीरियस आदमी हूं. नहीं, आप अच्छे टिप्स देते हो सर. मतलब टिप्स आप सिर्फ रमेश तुरानी से लो. ये प्लीज कियारा. नहीं, मैं बस सीख रही हूँ. मैं सीख रही हूँ जैसे सर ने कहा. मैं नहीं, ये सब जानती हूँ. सीख रही हूँ. ये पढ़ती भी बहुत उसका जो पूरा मुद्दा अलग था. इट वॉज यू नो अबाउट मेनी stories, you know, and this is completely different. And I think मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल धड़कने तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, आज भी लोग पसंद करते हैं, और जुग जुग जियो बिल्कुल उससे अलग फिल्म है, you know.
एंड हर डायरेक्टर का कहानी कहने का अंदाज अलग होता है, सोचने का अंदाज अलग होता है, और वी जस्ट फॉलो द डायरेक्टर एंड द राइटर व्हाट दे हैव मेड फॉर अस एंड वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन दिस फिल्म। चलिए अब क्योंकि कल ही रिलीज होने वाली तो थिएटर कियारा बोलेगी, कियारा बोलेगी, कियारा जी और इसको कुछ कहना चाहेंगे कि कल रिलीज हो जुग जुग जियो थिएटर में जाए आप सभी एक साथ में? नहीं नहीं कियारा जी हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे, जुग जुग जियो। मैं ये इसलिए कियारा कियारा बोल रही हूं बिकॉज़ ही वांट्स मी टू आंसर योर क्वेश्चन। सिर्फ हम ही इस परिवार को के साथ रिलेट नहीं कर सके, मतलब व्हेन इट्स जस्ट नॉट अस बट आई फील ऑल ऑफ यू ऑल व्हेन यू ऑल वॉच द फिल्म विल रिलेट टू एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म। आपको लगेगा कि यू नो यू या तो आप यू नो समबडी लाइक अ भीम, अ गीता, नैना, कुकू, और यू आर योरसेल्फ कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं इनकी तरह हूँ, और यू आइडेंटिफाई विद देम। सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल फन फिल्म और आपको आई होप बड़ा मजा आया जितना हमें आए शूट करते हुए। सो जुग जुग जियो एंड इट्स ऑल योर्स। खाओ पियो और जुग जुग जियो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाउ डू यू, हाउ डू यू, हाउ डू यू सेलेक्ट द फिल्म, हाउ डू यू डू योगा? वेट आर लाइक।